नमस्ते। आज 9 फरवरी हम AIM अवेकन इंडिया मूवमेंट के मुंबई और पुणे के मेंबर्स यहाँ सेंट्रल बिल्डिंग पुणे में आए हैं। हम यहाँ शिक्षण का जो संचालक है उनसे हमने अभी मुलाकात की। उन्होंने 28 जनवरी 2022 को एक परिपत्रक निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था सभी स्कूलों में लसीकरण वैक्सीनेशन ड्राइव लेना है, सभी स्कूलों ने उसको इंश्योर करें, सभी विद्यार्थी लसीकरण करें, इसका इंश्योर करें ऐसा परिपत्रक निकाला था। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में इसका मीनिंग कंपलसरी वैक्सीनेशन, मैंडेटरी वैक्सीनेशन ऐसे लिया गया है और इसका अर्थ वैसे नहीं है। इसके बारे में संचालक जी ने, मतलब मिस्टर पालकर और मिस्टर टेमकर, इन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि ये मैंडेटरी नहीं है, स्वैच्छिक है, लेकिन इंश्योर करे। तो इसीलिए हमने उनसे मुलाकात की और उन्होंने ये बात की कि ये वॉलंटरी है। और टेमकर जी ने स्टैंडर्ड 1st to 5th के लिए ऐसा ही परिपत्रक निकालने का कमिटमेंट दिया है। और 12th स्टैंडर्ड तक मिस्टर पालकर ने मंडे तक उसका क्लैरिफिकेशन वो निकालेंगे, ये उन्होंने हमें कंफर्म किया है। उन्होंने कहा था कि ऐसा अगर कोई स्कूल मैंडेटरी कर रहा है, ऐसा आपके पास कोई प्रूफ है क्या? अगर प्रूफ है तो सिर्फ उन स्कूल्स को मैं उनको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपको प्रूफ लेके देंगे लेकिन आप क्लैरिफिकेशन इन जनरल निकालिए, और उन्होंने वो मान्य किया। हमने 3-4 स्कूलों में जो प्रूफ है, ये मैंडेटरी जो चल रहा है इसका जो डिक्लेरेशन है, ये हमने उनको सबमिट किया है। उन्होंने इसके ऊपर गौर किया है और कहा है कि इसके ऊपर मैं स्टडी करके मंडे तक ये क्लैरिफिकेशन पूरे महाराष्ट्र को दे दूंगा। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ पूरे महाराष्ट्र के जनता को, सभी पेरेंट्स को और बच्चों को, कि आपको वैक्सीनेशन ये कंपलसरी नहीं है, पूरी तरीके से स्वैच्छिक है, वॉलेंटरी है। तो आप जब तक आपकी इन्फर्म कंसेंट आप नहीं देते हो तब तक कोई भी आपको टीका नहीं दे सकता है। और इसीलिए जब तक आप भी वैक्सीनेशन से पहले ये वैक्सीन क्या है, इस वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसके एडवर्स रिएक्शंस क्या है, अगर आपने वैक्सीन दे दिया अपने बच्चों को और उसमें कोई आपके बच्चों में कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाता है तो आपको क्या क्या करना है, कहाँ उसकी ट्रीटमेंट मिलती है, ट्रीटमेंट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ये सब जानकारी आप पहले लीजिए और उसके बाद ही ये वैक्सीन लीजिए। क्योंकि ये वैक्सीन एक तो इमरजेंसी ऑथोराइजेशन यूसेज के लिए उसको वैलिडेशन मिला है, ये FDA से अप्रूव्ड नहीं है। इसीलिए अभी जो चल रहा है वो एक तरीके से क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं और आपको उन ट्रायल्स के लिए अपने आप को सुपुर्द करना है या नहीं, ये आपका खुद का डिसीजन है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वैक्सीन एक बार आपके शरीर में अंदर जाएगा तो वापस नहीं बाहर निकाल सकते हैं, तो ये मतलब वन वे ट्रैफिक है। तो इसीलिए आपको एक बार ठीक तरह से सोचना है और अगर आपका डिसीजन फाइनल होता है तभी आपको वैक्सीनेशन लेना है। इस वैक्सीन अगर नहीं लिया तो किसी भी प्रकार का कोई भी आपके बच्चों के लिए कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आप अगर आपको किसी ने बताया होगा कि इस अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं किया है तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते और या स्कूल में नहीं आ सकते या लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते या स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले सकते या कुछ और अलग कुछ बातें की होगी, तो ये सरासर झूठ है, ये अफवाह है। और जैसे हमारे प्रधान कहते हैं कि अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए, तो ये भी अफवाह पर आप विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। धन्यवाद। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.